अरे पिंकी, कैसा लग रहा है पूरे 2 महीने बाद स्कूल आकर? यहाँ क्यों बैठी हो? क्लास में क्यों नहीं जा रही? क्या हुआ पिंकी? टीचर, गेट पर गार्ड भैया ने बहुत डांटा कि मैं स्कूल क्यों आई। मेरे पापा को कोरोना हुआ था, मैं सबको बीमार कर दूंगी तो सब दोस्त भी दूर चले गए। पर तुम्हारे पापा को तो कोरोना 2 महीने पहले हुआ, उनका टेस्ट भी हुआ था ये निश्चित करने के लिए कि उन्हें कोरोना अब नहीं है। इस बात को तो 1 महीना हो गया। जी टीचर। चलो मेरे साथ, गार्ड से मैं बात करूंगी। पिंकी, अपनी सीट पर बैठो। बच्चों, आज हम एक जरूरी बात समझेंगे। एक तरफ जहां हमें कोरोना से बचने के लिए सावधानियां रखनी है, वहीं हमें कोरोना से पीड़ित की मदद करनी है। इस बीमारी को हमें एक सामाजिक बीमारी नहीं बनाना है। टीचर, सामाजिक बीमारी? हाँ बच्चों, अगर हम कोरोना से पीड़ित व्यक्ति या परिवार के साथ भेदभाव का भाव रखेंगे तो ये सामाजिक बीमारी बन जाएगी। और याद रहे, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को कोरोना हो जाए तो हमें उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर भेदभाव करेंगे तो लोग घबराएंगे और शायद इस डर से टेस्ट नहीं कराएंगे और हो सकता है सही इलाज भी ना करवाएं। तो ऐसे फिर हम बीमारी कभी दूर नहीं भगा पाएंगे। हम एक दूसरे से 6 फीट की शारीरिक दूरी रखकर, मास्क पहनकर और हाथों को नियमित डेटॉल साबुन और पानी से धोकर एक दूसरे की मदद आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर कोई परिवार क्वारंटीन में हो तो दूसरे परिवार उनके घर खाने पीने दवाइयों का सामान पहुंचा सकते हैं। इससे उनकी मदद भी होगी और बाकी लोग संक्रमण से भी बचेंगे। सुनी सुनाई बातों पे नहीं, सिर्फ डॉक्टर, टीचर या विश्वसनीय सूत्रों पर भरोसा करें और अफवाहें ना फैलाएं। सही जानकारी जरूरी है। लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और बहुत लोगों को तो हॉस्पिटल भी जाना नहीं पड़ता, लेकिन इलाज लेना जरूरी है। और जब कोई व्यक्ति कोरोना नेगेटिव हो जाता है तब उससे दूसरों को कोरोना होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। और पिंकी तो 1 महीने के बाद आई है, तो क्या हम पिंकी को दूर भगाएं? नहीं टीचर, स्वागत करें। कोरोना एक बीमारी है, इसको भेदभाव से नहीं, अपने आप को सुरक्षित करके और सबके सहयोग से भगा सकते हैं।